भगवत गीता अध्याय 11 विश्वरूप। रूप का अर्थ है आकार। सदियों से धर्म शास्त्रियों में सबसे बड़ा विवाद चला आ रहा है कि परमेश्वर निराकार है या साकार। कुछ तर्क देते हैं कि भगवान के रूप को मानना उनके ऊपर अपने मानवीय गुणों का आरोपण करना है, किंतु भगवत गीता के अनेक श्लोकों में श्री कृष्ण पुष्टि करते हैं कि वे साकार एवं निराकार दोनों रूपों में स्वयं को प्रकट करते हैं। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनका साकार रूप श्रेष्ठ है और वह निराकार का आधार है। इस अध्याय श्री कृष्ण द्वारा असंख्य रूपों से युक्त अपना विश्वरूप दिखाने के बाद इसकी पुनः पुष्टि होती है। एवं एतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि यहाँ मैं आपको स्वयं आपके द्वारा वर्णित मूल स्वरूप में देख रहा हूँ, तथापि मेरे मन में आपका वह रूप देखने की अभिलाषा है जिसके द्वारा आप इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करते हैं। श्लोक क्रमांक 1 से 4 निवेदन। अर्जुन विश्वरूप देखने का निवेदन करते हैं। कोई पूछ सकता है कि यदि श्री कृष्ण को देखकर अर्जुन पूरी तरह संतुष्ट हैं, जैसा कि पिछले अध्याय में पुष्टि की गई है, तो वो ऐसा निवेदन क्यों कर रहे हैं? निसंदेह विश्वरूप को देखने में अर्जुन का कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु वे अन्य कारणों से ऐसा निवेदन कर रहे हैं। सर्वप्रथम वे ठोस रूप से सिद्ध करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्रोत हैं, और दूसरा कारण यह है कि वे भविष्य में परमेश्वर होने का दावा करने वालों के लिए इस ऐश्वर्य प्रदर्शन का मानदंड स्थापित करना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश आधुनिक विश्व में ऐसे अनेकानेक तथाकथित अवतार तथा मसीहा हैं जो कुछ प्रसिद्धि अथवा चमत्कारों के बल पर स्वयं को समाज का मुक्तिदाता घोषित कर देते हैं। श्लोक क्रमांक 5 से 14 विश्वरूप। विश्वरूप दिखाकर श्री कृष्ण अर्जुन की इच्छा पूरी करते हैं। भगवान ब्रह्मांड के स्रोत तो हैं, साथ ही अपनी सृष्टि में उपस्थित होने के कारण वे स्वयं ब्रह्मांड भी हैं। उदाहरणार्थ मेरे शब्दों के द्वारा शायद आप मुझे कुछ कुछ समझने लगो। कार्य वचन की प्रक्रिया कारण बोलना की कुछ जानकारी देता है और उस दृष्टि से कारण कार्य में उपस्थित होता है। इसी प्रकार भगवान ब्रह्मांड के स्रोत हैं। ऐसा नहीं कि अंशों को मिलाकर भगवान बनते हैं, अपितु भगवान के भीतर प्रत्येक वस्तु समाहित है। उस भयावह विश्वरूप में अर्जुन को समस्त जीव समस्त भौतिक वस्तुएं तथा भूत वर्तमान एवं भविष्य भी दिखाई दिए। श्लोक क्रमांक 15 से 45 अर्जुन की प्रार्थनाएं। श्री कृष्ण की महानता से अचंभित अर्जुन डगमगाते हुए उनकी स्तुति करते हैं, और आज तक श्री कृष्ण को अपना मित्र मानकर उनके साथ किए अनादर पूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा मांगते हैं। अधिकांश धर्म भगवान के इस ऐश्वर्यशाली रूप की, भगवान निर्माता सर्वव्यापी तथा अमोघ हैं, ये कभी नहीं जान पाते। फलस्वरूप व्यक्ति भगवान से डरने लगता है और भगवान के साथ उसके संबंध में घनिष्ठता मधुरता तथा व्यक्तिगत आदान प्रदान का अभाव होता है। तृप्त होने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से पुनः अपना विभुज रूप दिखाने का निवेदन करते हैं, जिससे वे फिर उनके साथ अपने घनिष्ठ संबंध का रसास्वादन कर सके। श्लोक 46 से 55 मानव रूप। अर्जुन श्री कृष्ण के मानुषी रूप दिखाने का निवेदन करते हैं। जिनके गले में फूलों की माला लहरा रही है, जिसके दो हाथ मुरली तथा विविध प्रकार के आभूषणों से सजे हैं, और जिनका त्रिभंग सुंदर रूप उनके भक्तों के चित्त को आकर्षित करता है। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में श्री कृष्ण को रसो वै सह कहा गया है, अर्थात वे प्रेम भरे संबंध अथवा दिव्य प्रेमरस के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भगवान अनेक रसों गुणों तथा आनंद के भंडार हैं। आनंद किस प्रकार लूटा जाए वे भली भांति इसे जानते हैं, और उन्हें आदर पूर्वक किए गए अनुष्ठानों एवं पूजा पाठ से अधिक
विशुद्ध प्रेम की मधुरता का रसास्वादन करना कहीं अधिक भाता है। भक्त्या तु अनन्यया शक्य अहमेव विदोर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्वेन प्रवेष्टुं च परंतप। प्रिय अर्जुन, मैं जिस रूप में तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं उसे केवल अनन्य भक्ति द्वारा जानना संभव है। मुझे भक्ति द्वारा प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। एकमात्र इसी मार्ग द्वारा तुम मेरे स्वरूप के रहस्य में प्रवेश कर सकते हो।